भी देवता है। भगवान विष्णु ने एक बार एक काली नाम के ब्राह्मण से ये बात कही कि वो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु हम एक दिव्य जीवन नहीं जी सक रहे हैं, हमारे पास दिव्य जीवन नहीं है, हमें दिव्य जीवन प्रदान करना चाहिए। तो इस काली ब्राह्मण को कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर में जन्म लूंगा। और उस घर में जब उस काली ब्राह्मण जो वैष्णव था उसको जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम विश्वक्सेन रखा गया। यही विश्वक्सेन, विश्वक्सेन का अर्थ है वैष्णवों की सेना का देवता। वैष्णव की सेना के देवता को वैष्णव एक सेना विश्वक्सेना ये कहा गया है, इसकी स्मृति है। और ये विश्वक्सेना हम वैष्णवों को जिस तरह गणपति है, गणों के अधिपति शैवों में गणपति कहलाए जाते हैं, तो इसे वैष्णव में विश्वक्सेन कहलाए जाते हैं। और इस विश्वक्सेन को ही इस संसार में जब विश्वक्सेन आए और उन्होंने इस संसार में जब अपने वैष्णव साम्राज्य की स्थापना करने का उस ब्राह्मण से लिया और जब नारायण स्वरूप होकर उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने कहा कि विष्णु ने कहा कि जब कभी भी तुम्हें किसी प्रकार का संकट हो तो इस भगवान की ही पूजा की जाए, इस विष्णु भगवान की पूजा की जाए जिसे विश्वक्सेन कहा गया है। और विश्वक्सेन ही शैवों के गणपति है और विष्णु भगवान के गणपति है। वैष्णव गणपति की पूजा नहीं, विश्वक्सेन के नाम से पूजा करते हैं। और इस विश्वक्सेन गणपति को ही इस संसार का देवता कहा गया। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस विश्वक्सेन भगवान ने जब उत्पन्न हुए तब शैवों में और वैष्णवों में झगड़ा चल रहा था। शैव हमारे देवता बड़ा और वैष्णव हमारे देवता देखा बड़ा, इस तरह झगड़ रहे थे। तब विश्वक्सेन ने जन्म लेकर कहा कि मैं शिव और विष्णु में भेद नहीं है, ऐसा मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने किस तरह कहा, जब शिव और वैष्णव दोनों झगड़ रहे थे तो उस विश्वक्सेन ने कहा कि जिस सर पर विष्णु पादुका रहेगी उसको इस संसार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि स्वयं शिव ने शिवजी के सर पर जो गंगा आई हुई है वो विष्णु के चरणों से निकली हुई है। और जब यह बात विष्णु को पूछी गई तो विष्णु ने कहा शिव मेरे गुरु है और वो मेरे सर पर विराजमान है। कृष्ण भगवान के सर पर कहीं विष्णु के सर पर भी हमने शिवलिंग को धारण किया हुआ देखा है, इसलिए शिवाय विष्णु रूपाय शिव के नमः ऐसा कहा गया है। इन दोनों ने जब कहा तो विश्वक्सेन की उत्पत्ति हुई। तो विश्वक्सेन ने आकर उस भगवान विष्णु से कहा कि इस झगड़े को किस तरह मिटाया जाए। तो विश्वक्सेन कहते हैं मैं ही शैवों का गणपति हूं और वैष्णवों का विश्वक्सेन, तो मैं एक शठ हूं जो इस शैव वैष्णव के नाम से झगड़ा करते हुए देवताओं में सनातन धर्म का नाश करते हैं, मैं उनके लिए शठारी हूं। शठारी का मतलब है शठ मूर्ख का, अरि का मतलब है शत्रु, उस शत्रुत्व को नाश करने वाला। मैं शठ कोप हूं, कोप का मतलब है गुस्सा का, ये संस्कृत में आएगा जैसे शठ कोप कहते हैं। विष्णु पादुकाओं को जब यही भगवान विश्वक्सेन उन्होंने कहा कि मैं इस षट गोप में प्रवेश करता हूं और जिसके शरीर के ऊपर ये विष्णु पादुकाएं रखी जाती है उसके उसको कभी शरीर और वैष्णव का भेद नहीं होगा, और उसे षट गोप नाम के नाम से, शठारी के नाम के नाम से इस विश्वक्सेन ने अपना अवतार लिया। और यह अवतार आज भी आप किसी वैष्णवालय में जाते हैं तो आपके शरीर आपके सिर पर षट गोप नाम का एक विष्णु पादुकाओं के ऊपर आपके सर पर रखते हैं तीर्थ देने के बाद। तो शायद वही विश्वक्सेन है, वही विष्णु की सेना के अध्यक्ष है। जहां शैव वैष्णव का झगड़ा हुआ वहां जब विष्णु पादुकाएं रखी गई उसकी रक्षा हुई, नहीं तो जहां विष्णु पादुकाएं नहीं रखी गई तब वो झगड़ा नहीं मिटता गया और वो बढ़ता गया। तो इस तरीके को, इस विष्णु को, षड्गोप को, शठारी को जब ये बात बताने का विधान हुआ इस गणपति को, तब भगवान विष्णु ने, वैष्णव ने जब ये सभी शैवों को, विष्णुओं को षड्गोप लगाते गए तो शैवों ने कहा कि हम ये नहीं लगा लेंगे। तब उसी समय एक आचार्य का उत्पन्न हुआ, एक आचार्य उत्पन्न हुए जिन्हें वैष्णवों का गुरु माना जाता है, जिसे रामानुजाचार्य कहा गया। और ये रामानुजाचार्य की जब उत्पत्ति हुई तो उन्होंने इस संसार में शैव वैष्णव का भेद निकालते हुए कहा कि ऐसा कहीं नहीं है कि शैव और वैष्णव में भेद है, शिव और केशव एक है, लेकिन इसको किस तरह बताया जाए, किस तरह बताया जाए। तो वह ध्यानमग्न हो गए, ध्यानमग्न होकर कहा कि इनसे, इन दोनों से बढ़कर शिव विष्णु का झगड़ा मिटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु की प्रार्थना की,
उनके गुरु पूर्णगिरी थे, पूर्णपीठ थे, उनका नाम पूर्णपीठेश्वर कहा गया था, उनके गुरु थे, उनका उन्होंने ध्यान किया और कहा कि इस झगड़े को किस तरह मिटाया जाए। तब उनके गुरु ने एक बात कही कि यही बात दैत्यों में और देवों में भी झगड़ा चल रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक विशिष्ट देवता का आवरण किया और कहा कि देवता देखते हैं कि दैत्य मर जाए, दैत्यों का राज्य चला जाए, और दैत्य देखते हैं कि देवताओं का राज्य चला जाए, और दोनों इस झगड़ों में बार बार मरना शुरू हुआ और बार बार एक कोई गले करना, झगड़े लगा लेना और शांति को मिटा लेना, यह प्रक्रिया चालू थी। तब भगवान ने इस विश्वक्सेन से विष्णु भगवान ने कहा कि हेरम्भ की सृष्टि की। हेरम्भ का मतलब होता है हरि और अम्बा से उत्पन्न हुआ हुआ। ये अम्बा कौन है? ये देवी शक्ति है और हरि है ये विष्णुमय है। ये हेरम्भ जब उत्पन्न हुए, उन्होंने जब इंद्र को दैत्य ने हरा दिया गया तो विष्णु के पास जाकर उन्होंने जब प्रार्थना की कि प्रभु हमें इस बार बार के झगड़े से मिटा दो, हमें सुख शांति चाहिए, हम संपन्नवान बने रहे, हमारे घर में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, अशांति ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान इंद्र को विष्णु भगवान ने जो साधना करवाई वह हेरम्भ साधना कहलाई। हेरम्भ एक गणपति का नाम, आप सब लोग गणपति के नाम को ही जानते हैं, यही विश्वक्सेन है, यही गणपति है और हेरम्भ भी वही गणपति है जिसे शठारी के नाम से या षडगोप के नाम से जाना जाता है, जो इस संसार में षठत्व है, मूर्खत्व है, उसको मिटाने वाला। हम मूर्खता के कारण ही दुखी है, हमारे घर में बच्चों का ना पढ़ना, पत्नियों का झगड़ा का कारण ये मूर्खता ही है, हमारे घर में अशांति का कारण हमारी मूर्खता है। और जब तक हमारे इस जीवन में से ये मूर्खता जाती नहीं तब तक हम एक विद्वान या संपन्नवान नहीं बन सकते। हम मूर्खता के कारण अपने लोगों को अपने घर में एक प्रकार का अशांति निर्माण करते हैं और घर में जब में अशांति निर्माण होती है वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे बच्चों से